पहला भाग रिलीज। क्या अल्लू अर्जुन और आमिर खान का होगा आमना सामना? कब होगी दूसरे पार्ट की शुरुआत? क्या कहा पुष्पा के मूवी मेकर्स ने फैंस को लेकर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अभिनेता सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्पा मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक्टर अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा की रिलीज डेट आउट हो गई है। इसका पहला पार्ट क्रिसमस 2021 के मौके पर रिलीज होगा। मूवी हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला आमिर खान स्टार लाल सिंह चड्ढा से होगा, जो कि क्रिसमस के ही मौके पर रिलीज होने जा रही है। अल्लू ने खुद ट्विटर पर फिल्म से अपना पोस्टर लुक शेयर किया। फिल्म में अल्लू के अलावा रश्मिका मंदाना, फहद फैजल जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। अब साल के आखिर में होने वाले सबसे बड़े कलेश को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। इस मूवी के जरिए डायरेक्टर सुकुमार और म्यूजिक मेस्ट्रो देवी शर्मा प्रसाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं। इसे लेकर मैत्री मूवी मेकर्स के प्रोड्यूसर नवीन यारनैनी और वाई रविशंकर कहते हैं, पुष्पा की कहानी एक्शन से भरपूर है जिसमें ऐसे मोमेंट्स हैं जो दिल को छू जाते हैं। मूवी को बनाना हमारे लिए बहुत ही मजेदार रहा। प्रोड्यूसर ने आगे कहा, इस मूवी ने पहले ही दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है। हमें उम्मीद है कि फैंस इस मूवी पर अपना प्यार जरूर बरसाएंगे। बता दें, पहला मौका होगा जब ऑडियंस पहली बार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को बड़े पर्दे पर देखेंगे। मूवी का दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज होगा। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट और सुपरस्टार आमिर खान की अगली फिल्म जल्दी रिलीज होगी। उनकी फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा और इसकी रिलीज डेट भी तय हो गई है। ये मूवी क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लोगों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये फिल्म कब रिलीज हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया है कि मूवी की स्क्रिप्टिंग अतुल कुलकर्णी ने की और इसका निर्देशन अद्वैत चौहान कर रहे हैं। मूवी में आमिर खान लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, आमिर खान की आई फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाएगी। मूवी में वो पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम करते नजर आए थे। मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और आमिर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूवी के फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली थी। लाल सिंह चड्ढा और पुष्पा दोनों ही के बीच एक जंग छिड़ गई है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। वेल, अब देखना ये होगा कि कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है, कौन एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दर्शकों, आप अपने ओपिनियंस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।